our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो जनाब, सुबह का टाइम था और हमेशा की तरह मैं अपने कामों में बिज़ी थी। मैं अपने जितने भी क्लिनिंग के जो काम थे ना, वो ख़त्म कर चुकी हुई थी, लेकिन आज के दिन के ना मेरे कुछ मोटिव्स थे छोटू छोटू से, जो आज मैंने कवर करने थे, तो सोचा कि आज आपके साथ उसी की वीडियो भी शेयर करती हूँ। अच्छा, ये जो प्लांट है ना, ये मेरे रूम में पड़ा होता है और इतना ये गंदा हो गया था कितने दिनों से ना, आपको पता है ये मौसम बरसात शुरू हो गया हुआ है तो ये आंधी तूफ़ान वगैरह वाली ना चीज़ें आती ही रहती हैं, सो बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है। और अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपके घर में काफ़ी सारे प्लांट्स हैं ना, तो आप हर किसी चीज़ के ऊपर नज़र नहीं रख पाते। अब इसके ऊपर मेरा हाथ तो जा रहा था, बट मैं सही वाली डीप इसको साफ़ नहीं कर पा रही थी, ये अब बहुत गंदा हो गया था, इसका तो मुझे कलर भी चेंज लग रहा था। सो मैंने सोचा कि आप इसको पकड़ के ना एक बार ना डस्ट आउट कर देती हूँ। अभी मैंने इसको वॉश नहीं किया क्योंकि अभी ये इतना पुराना नहीं है, सो मेरा दिल नहीं था कि मैं इसको वॉश करूँ, लेकिन मे बी नेक्स्ट टाइम मैं इसको वॉश भी करूँगी। सो मैंने सोचा सबसे पहले काम तो ये करूँ कि इसको क्लीन करके रखूँ, कितने दिनों से ये मेरी आंखों पे ना, मुझे ना ये चुभ रहा था। सो डस्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपकी जो बनी बनाई गेम है ना, उसको भी तबाह कर सकती है। सो आज का जो मेरा सबसे अहम जो चीज़ थी ना, वो मेरी क्लीनिंग थी किचन पे। मेरे किचन को ना काफ़ी टाइम से मैंने कोई हाथ नहीं लगाया, काफ़ी चीज़ें थी जो मुझे बुला रही थी, मतलब जो मदद मांग रही थी, काफ़ी गंदी हो चुकी है। और लेकिन मैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि दिल कर भी रहा है लेकिन हिम्मत नहीं हो रही वो करने की ना, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई हुई है। सो आज किचन का डे था। आंटी हालदा जो है ना, आपसे हेलो हाय करना चाह रही थी और मैंने उससे पहले कैमरा बंद कर दिया था। सो आंटी, आप क्या कहना चाह रही थी? हेलो दोस्तों, आंटी कल नहीं आई थी और मैंने आंटी की रिप्लेसमेंट की थी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज आंटी आ गई हैं। आज मेरी ना जितना भी घर के क्लीनिंग के काम थे ना, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गए हुए थे टाइम पे, क्योंकि गर्मियों में मैं आमतौर पर ना ज़्यादा जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। जब आपके घर में गेस्ट आए हो ना, तो फिर तो और भी ज़्यादा मुझे होता है कि मैं उनके उठने से पहले ही सारे काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेहमान बैठे हों और आप कामों में लगी हों, मतलब उनको तवज्जो ना दे पा रहे हों। तो मैं जब से हाल आई है ना, मैं सुबह सुबह उनके उठने से पहले घर की जितनी भी क्लीनिंग है ना, सिर्फ उस रूम को छोड़ के जिधर हाला होती है ना, तो बाकी सारी क्लीनिंग कर लेती हूँ। जब वो लोग उठते हैं तो फिर एंड पे वो वाला रूम साफ़ कर लिया जाता है। सो आज जैसे ही आंटी का काम ख़त्म हुआ और मैंने सोचा कि मैं किचन की ना थोड़ी सी तरतीब, जो अलमारी की थी ना बर्तनों वाली, वो ख़राब थी, तो मैंने सोचा उसको सेट कर लूँ। और पहले तो उन्होंने, जो आंटी ने बर्तन वॉश किए थे, वो मैंने सारे सेट किए। और उसके बाद ना काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो ना बहुत दिनों से मैं साफ़ करना चाह रही थी पर नहीं कर पा रही थी, तो आज सोचा कि उसको भी, क्योंकि आज का जो मौसम था ना, वो काफ़ी बेहतर था। कल हुई थी थोड़ी बहुत बारिश, तो आज जो पंखे की हवा थी ना, वो काफ़ी काबिले बर्दाश्त थी, तो मैंने सोचा कि आज छोटे मोटे जो क्लीनिंग के काम है ना, वो मैं कर लूँ। अच्छा, ये आप देख रहे हैं कि ये किस कदर काला हो गया है, अल्लाह ने बहुत बहुत बचाया है। काला मेरी भाभी लगी हुई थी, दो दिन हो गया बल्कि इस बात को ना, कि वो यहाँ पर ना, ये स्टोव हमने रखा हुआ है नीचे, तो इसके ऊपर ना कुछ फ्राई करने लगी है ना, तो वो गर्म था, उसके ऊपर थोड़ा सा गिर गया पानी का छींटा और एकदम से उसने आग पकड़ी और अल्लाह ने बड़ा बचाया। ये मतलब पूरी वो जो उसकी जो लो थी ना, वो सारी इस कैबिनेट पे पड़ी और वो काला हो गया हुआ था बहुत ज़्यादा। तो एक तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का कि कोई नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ और ना ही ये जला है, सिर्फ ये काला हो गया था, क्योंकि ये सिलेंडर की गैस से ये सारा हुआ ना, तो वो सारा सेक लगा उसको और वो काला सारा फैल गया। तो मैंने सोचा इसको भी अब साफ़ कर लूँ इससे पहले कि कोई और बंदा आ जाए। और अब मैं यही सोच रही हूँ कि इसको उतार के ना नीचे एक टेबल रख दूँ, उसके ऊपर रख दूँ। अच्छा, ये एक मसला है कि इस चूल्हे को मैं नीचे इसलिए नहीं रखती थोड़ा सा, कि बच्चे हैं सारे तो भाग भाग के इन चूल्हे को हाथ लगाते हैं और फिर मुझे बड़ी डर लगता है कि कभी गर्म भी हो सकता है, क्योंकि हमारा ओपन किचन है तो बच्चों को रोकना नामुमकिन है।
और सेफ्टी डोर्स भी नहीं लगे हुए। तो बस ये जो टेंशन है ना, इसी पे नीचे रखती हूँ, फिर उठा के ऊपर रख देती हूँ, तो बस और कोई इसकी प्रॉपर एक जगह मिल नहीं रही। क्योंकि गैस का आपको पता है कि जिस तरह आती है, टाइमिंग्स हैं उसमें, गैस नहीं आना होता है। और फिर बस, और ये भी सुबह दूध बॉयल कर रहे थे और वो थोड़ा सा नीचे गिर गया और काफ़ी गंदा हो गया था चूल्हा। मैंने सोचा कि आज इसको भी साफ़ कर दूं, क्योंकि एक बार आप काम पे लग जाए ना, तो फिर और छोटे मोटे काफ़ी सारे काम निकल आते हैं। सोचा कि जो जो भी जहन में आ रहा है, जो जो भी नज़र आ रहा है, जितना हो पा रहा है मैं वो कर लूँ। उसके बाद आ जाती है जी हमारी जूसर। वो इतनी ज़्यादा गंदी हो चुकी थी, क्योंकि रोज़ मिल्क शेक बनते हैं, क्योंकि बच्चों वाला घर है और बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। मसाले कभी ग्राइंड करने हो, जूसेस बनाने हो, तो ये इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे घर। तो हमेशा तो आप इतने एक्टिव नहीं रह सकते कि आप हर चीज़ का, हर बारीकी का ख्याल रखें, लेकिन जिस दिन भी ये दिन होता है ना, तो मेरी कोशिश आम तौर पे तो कोशिश होती है कि जैसे ही गंदा हो तो मैं साफ़ कर लूँ, लेकिन अक्सर ऐसा हो नहीं पाता। तो बस कोई एक दिन मैं रख लेती हूँ कि आज ये दिन है, सो मैंने ये काम करना है। तो बस आज का वो दिन जो था ना, ये काफ़ी प्रोडक्टिव था। एक्चुअली जो जो भी मैंने काम सोचे थे ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे मैंने पूरे कर लिए थे। मैं कोई अपनी जान के ऊपर वबाल नहीं बनाती कि मैंने आज सारे का सारा काम ही करना है। सो बस देखते ही देखते मेरा जो किचन था ना, थोड़े से कैबिनेट की सेटिंग ख़राब थी, वो भी मैंने सेट कर लिया था और वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था। एंड पे ना मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी चाय भी पी ली जाए, थकावट फील हो रही थी। और ये मौसम ऐसा है कि अच्छे खासे बंदे भी ना, जो एक्टिव भी हों, उनके भी जोड़ों में कहीं ना कहीं दर्द निकल आती है। और मैं आजकल ना दिन में ज़्यादा नहीं, पर कभी बहुत ज़्यादा दिल करे ना तो एक कप चाय पीती हूँ, और वो भी अदरक वाली। और कोशिश करें कि आप जब भी चाय पीना है उसमें थोड़ी सी अदरक डाल लिया करें। मैं छोटू सा टुकड़ा अदरक का डालती हूँ, और बिल्कुल इतना सा एक इंच कर लें, और साथ में दो तीन इलायची डाल लेती हूँ, जिससे अदरक की स्मेल भी प्रोमिनेंट नहीं होती। और बहुत ही मज़े की ये चाय बनती है, और इससे एक अजीब सी एक्टिवनेस आप को फील होएगी, और जितनी भी दर्दें हैं ना उनके लिए बेस्ट होता है, और आपको ये कच्चा कच्चापन जो बॉडी में फील होता है ना वो नहीं होता। सो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं तो करती हूँ, गर्मी बहुत है, लेकिन हम चूँकि आमतौर पर एसी पे बैठे होते हैं तो कोई खास इतना फील नहीं होता, तो उस टाइम मैं चाय जो है ना वो एक कप ले ही लेती हूँ, क्योंकि मैं शुगर बहुत कम लेती हूँ, तो एक कप तो चलता है। तो चलिए जनाब, आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और दुआओं में खास तौर पर याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।